झारखंड में लव जिहाद और गुंडागर्दी की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। ताजा घटना रांची से सटे ओरमांझी का है, जहां एक विद्यालय में समुदाय विशेष के युवकों ने घुसकर हथियार लहराकर आदिवासी और हिंदू बेटियों को धमकी दी है कि वे अगर उनसे दोस्ती नहीं करेंगी तो उन्हें उठा लिया जाएगा। अब तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस घटना के बाद झारखंड की राजनीति में भी बवाल है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतु शाहदेव ने कहा कि अगर सरकार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सक्षम नहीं तो बताएं भाजपा अपने तरीके से कार्रवाई करने में सक्षम है। रांची से बिल्कुल सटे ओरमांझी का है, जहां स्कूल में घुसकर कुछ मुस्लिम युवकों ने लड़कियों को धमकाया, हिंदू और आदिवासी लड़कियों को, और कहा मुझसे दोस्ती करो नहीं तो तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। और ये सब कुछ टीचरों की उपस्थिति में हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि इस प्रदेश में इस तरह की मानसिकता वाले लोगों का जो हिम्मत है वो कितना बढ़ गया है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सरकार को कहते हैं कि आप हमेशा फेल कर रहे हैं हिंदू बेटियों आदिवासी बेटियों को सुरक्षा देने में, तो आप बता दें कि आपसे नहीं हो पाएगा। हिंदू इतने सक्षम है कि वो खुद रक्षा कर सके, लेकिन ये सरकार तुष्टिकरण में इतनी लिप्त है कि वो भूल गई है कि राजधर्म क्या होता है। वहीं झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि ओरमांझी की घटना बिल्कुल ही दुखद घटना है। इस तरह से स्कूल में जाकर कोई थ्रेट करता है तो यह बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। सरकार संवेदनशील है, ऐसे तत्वों पर सरकार कार्रवाई जरूर करेगी। ओरमांझी की घटना यह बिल्कुल दुखद घटना हुई है कि किसी को स्कूल में पहुंच करके अगर कोई थ्रेट करता है तो हमें लगता है कि यह इसे सब समाज में इस तरह की घटना को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और चूंकि इस राज्य में संवेदनशील सरकारें चल रही है, संवेदनशील प्रशासन है, वह व्यक्ति कोई भी हो, अगर सरकार के संज्ञान में इस तरह की बातें आती है तो स्वाभाविक तौर पर हम इस पर कड़ा रुख अख्तियार करते हैं और सरकार भी इस पर काफ़ी संवेदनशील है, गंभीर है। और जो भी व्यक्ति है इस तरह की घटना को अगर अंजाम देने का अगर प्रयास भी करता है तो वैसे व्यक्ति पर अविलंब कार्रवाई करते हुए उसे जेल के शिकंजे के पीछे पहुंचाने का भी काम हमारी संवेदनशील प्रशासन करेगी। वहीं पूरे मामले पर ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने कहा कि हम लोग जाँच कर रहे हैं, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। मामला तो आया है, हम लोग के संज्ञान में कल ही आया है और वहाँ रिटर्न लेके हम लोगों ने FIR दर्ज कर दिया है। जांच में DSP साहब को मैंने दिया है और इंस्पेक्टर भी लगे हुए हैं। किस हद तक की घटना है, किसका क्या संलिप्तता है, समस्त बिंदुओं पर हम लोग जांच पड़ताल शुरू कर दिए हैं। दोषी पाए जाने के वाले लोगों के विरुद्ध में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्या शिकायत चूँकि ग्रामीण में स्कूल में कुछ मैटर हुआ था जो लोग आपस में ही तस्वीर कर रहे थे, लेकिन जब हमको दूसरे माध्यम से सूचना मिली सीनियर SP महोदय को, इमीडिएट मैंने भेजा, वहाँ पर इंस्पेक्टर खुद गए और देखे कि लोग उलझना चाह रहे हैं या उलझ रहे हैं, जो भी मामला था उसको लेकर हम लोगों ने थाना आया और एक रिटर्न दे के फिर FIR हो गया। ऐसा कुछ। रांची से न्यूज विंग के लिए मनीष झा की रिपोर्ट।